घर में रहे घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। दोस्तों स्वागत करते हैं बिंदास खबरें में, जहां हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचा रखा है, वहीं इसको देखते हुए कुछ राज्य ने तो लॉकडाउन लगा दिया है और कुछ राज्यों में कर्फ्यू और कहीं पर तो धारा 144 लगा दिया गया है। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं की हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि जून के पहले हफ्ते से खुलने लगेगा देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है ये सलाह। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर लगभग जा चुकी है। अब संक्रमण केस में लगातार गिरावट हो रही है। ऐसे में राज्य सरकार अब कोरोना कर्फ्यू हटाने पर विचार कर रही है। कई प्रदेशों में 1 जून के बाद जनता को राहत मिलने लगेगी। आपको बता दें कि हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पाबंदियां हटाने पर सावधानी बरतने को कहा है। उन्होंने कहा है कि पॉजिटिविटी रेट के दायरे में आने पर इसे देखना होगा कि केस फिर से बढ़ने ना लगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना से अब तक 3 लाख से ज्यादा मौतें, बीते 24 घंटे में 2,22,000 से ज्यादा नए मामले। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी से अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात तो ये है कि संक्रमण के नए मामलों में कमी आई है। बीते 24 घंटे के दौरान 2,22,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान 4,454 मरीजों की जान चली गई है। पर अच्छी बात ये है कि 3 लाख से ज्यादा मरीज पिछले एक दिन में ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार में आज होगी लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा। नई छूट दे सकती है राज्य सरकार। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि बिहार में लॉकडाउन के बाद कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है। सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए बिहार सरकार एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने जा रही है। आपको बता दें कि ये लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए आपदा प्रबंधन समूह की बैठक बुलाई गई है। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के तीसरे राउंड में राज्य सरकार कुछ नई छूट भी दे सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना के बीच कंपनी का बड़ा ऐलान। कर्मियों की मौत के बाद भी 60 साल तक पूरा वेतन, आवास, मेडिकल और बच्चों की पढ़ाई फ्री। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि टाटा स्टील कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। कोरोना संकट के बीच भी कर्मचारी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, कर्मचारियों की मौतें भी हुई हैं। ऐसे में कंपनी ने कहा है कि कर्मचारी की मौत के बाद भी सर्विस के 60 साल पूरे होने तक परिवार को पूरी सैलरी दी जाएगी। इसके साथ ही आवास, मेडिकल सुविधा, यही नहीं बच्चों तक की पढ़ाई का पूरा खर्चा अब कंपनी ही उठाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड का फैसला, अपने ही स्कूल में परीक्षा देंगे अब 12वीं कक्षा के छात्र। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अब अपने ही स्कूल में परीक्षा देंगे। सभी विद्यार्थियों को 15 दिन पहले डेट शीट दी जाएगी। परीक्षा 1.5 घंटे की ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। ये फैसला रविवार को प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के साथ ऑनलाइन चर्चा के बाद लिया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि आज खतरनाक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है यास, इन 3 राज्यों में अलर्ट। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश में एक और चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब खतरनाक तूफान में बदल गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक ये सोमवार को खतरनाक रूप धारण कर सकता है। ये बहुत गंभीर चक्रवात के रूप में 26 मई को बंगाल और उड़ीसा तटों को पार करेगा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि तूफान के दौरान 165 से लेकर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि यास के असर से 25 मई को बंगाल के मेदिनीपुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली जिले में भारी से भारी बारिश हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि केजरीवाल बोले फाइजर और मॉडर्ना ने दिल्ली सरकार को वैक्सीन देने से किया मना। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी है कि उन्होंने अमेरिकी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना से वैक्सीन खरीदने की बात की, लेकिन दोनों कंपनियों ने दिल्ली सरकार को वैक्सीन देने से मना कर दिया है। कंपनियों का कहना है कि वो सीधा भारत सरकार के साथ डील करेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो वैक्सीन इंपोर्ट करे और राज्यों को बांटे। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि रामदेव का विवादित बयान, हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन की आपत्ति के बाद योग गुरु ने बयान वापस लिया। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव
दावे को केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने डॉक्टरों के खिलाफ किया गया विवादास्पद बयान वापस लेने को कहा था। इसके बाद रामदेव ने अपना बयान वापस ले लिया है। रामदेव ने कहा कि अगर मेरे बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मुझे खेद है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, देश में बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का प्रकोप। एक हफ्ते के भीतर कर्नाटक में 700 तो हरियाणा में सामने आए 400 मामले। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई राज्यों में ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकर माइकोसिस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच पिछले एक हफ्ते में कर्नाटक में 700 और हरियाणा में 400 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि म्यूकर माइकोसिस कवक यानी कि म्यूको के कारण होने वाला संक्रमण है। वातावरण में मौजूद ब्लैक फंगस के संपर्क में आने से लोग संक्रमित हो सकते हैं। देश में दूसरी लहर की शुरुआत के बाद संक्रमितों की संख्या अचानक से बढ़ गई है, जिसके बाद लोग कोविड के इलाज के बाद इस ब्लैक फंगस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, आपको नहीं मिल पा रही है गैस की सब्सिडी तो घर बैठे कर सकते हैं शिकायत। क्या आप LPG यानी कि रसोई गैस खरीदते हैं? यदि इसका जवाब हाँ में है तो आगे एक और सवाल है कि क्या आपके खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा आता है? दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस समय LPG सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में सरकार द्वारा कुछ सब्सिडी दी जाती है और इसका पैसा सीधे आपके अकाउंट में आता है। अगर आपके अकाउंट में सब्सिडी का पैसा नहीं आता है तो आप उसको चेक कर सकते हैं और नहीं आने पर इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि यदि आपने LPG ID को अभी तक अपने अकाउंट से लिंक नहीं किया है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर ये कराने का पहला काम करें। इसके बावजूद भी आपको सब्सिडी का पैसा नहीं मिलता है तो आप 1800-233-3555 पर फ्री में कॉल करके इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, 1 जून से बदल जाएंगे चेक पेमेंट को लेकर नियम, कस्टमर को हो सकती है परेशानी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपने कस्टमर के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अनुसार अगले महीने की शुरुआत से चेक पेमेंट के नियमों में बदलाव किया गया है। यहां पर आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से जानकारी साझा करते हुए बताया कि 1 जून से बैंक पॉजिटिव पे कंफर्मेशन को अनिवार्य करने जा रहे हैं। इसके तहत अगर 2 लाख से ज्यादा की पेमेंट चेक के जरिए जाती है तो कस्टमर को दोबारा कंफर्मेशन करना होगा। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने पर ही ट्रांजैक्शन पूरा हो पाएगा, वरना चेक कैंसिल हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण की प्रक्रिया काफी धीमी, इसे तेज किया जाना चाहिए। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच आज प्रवासी मजदूरों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण की प्रक्रिया काफी धीमी है, इसे तेज किया जाना चाहिए ताकि योजनाओं के लाभ उन तक पहुंच पाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि योजनाओं के लाभ प्रवासी मजदूरों को उनकी पहचान किए जाने और उनके पंजीकरण के बाद ही मिल सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जाने देश में कहां कहां बढ़ गया है लॉकडाउन, कौन से राज्य कर रहे हैं पाबंदियां हटाने की पूरी तैयारी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन और लॉकडाउन जैसी कठोर पाबंदियां लागू हैं। ये पाबंदियां कई राज्यों में मई के पहले हफ्ते से लागू हैं, तो कुछ राज्यों में ये मार्च अप्रैल से ही चल रहा है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों ने लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया है। कोरोना केस में कमी के बावजूद कोई राज्य खतरा उठाने को तैयार नहीं है। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। 24 जून की सुबह 6 बजे तक लागू कोरोना कर्फ्यू को 1 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि इंदौर में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू है। साथ ही आपको बता दें कि इंदौर में 1 जून से लॉकडाउन को खोलने की तैयारी भी है। इसी तरह CM अरविंद केजरीवाल ने भी 31 मई से धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।